और वैसे मेरी बेटी फ्रेंड है और साथ में एक और भी है मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और ये जी पीछे आप देख सकते हैं, ये है मेरी बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी भाभी। और वैसे मेरी ये फ्रेंड भी हैं और साथ में एक और भी है पीछे, ये भी ये थोड़ी सी चबल सी हैं, ये चबल नहीं है मैं क्यूट भी चबल है। तो जी हम बेसिकली हम यहाँ पे जो है बस जी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। और अभी बस हमारा यहाँ पे आप कह लो कि मोटो तो हम निकल पड़े हैं जी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और रास्ते में रुक के सबसे पहले मैंने एक अदद बुके बाय किया और एक्चुअली हम काफ़ी लेट हो गए हैं, लेकिन खैर है ऐसे मौक़ों पे ऐसा हो जाता है। और ये बताना तो मैं आपको भूल गई कि बर्थडे किसकी है जी। आज बर्थडे है जी मेरे फादर की, मेरे बाबा की। और हमारे फादर जो हैं वो हम सब की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो आज हमने सोचा क्यों ना आज हम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो हम सब ने डिसाइड किया कि आज हम उनको उनकी सरप्राइज़ बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे और उनको एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी देंगे। हमने उनसे कहा कि जी आप यहाँ पर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं बताया वो उनको। और यहाँ पे हम रुके हैं बेकरी पर केक बाय करने के लिए। यहाँ पर ऐसे जिनके पास इतनी वैरायटी नहीं थी केक की, लेकिन हमारे पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं थी कि हम कहीं और जाएं, क्योंकि जी काफ़ी लेट हो गया था। तो अब जो इनके पास केक्स हैं बस इन्हीं में से हमने सोचा कि चूज़ कर लेते हैं और निकलने की करते हैं बस। तो जी फाइनली हमने जी ये रेड वेलवेट जो केक है वो सिलेक्ट कर लिया और इसको हम बाय करने लगे हैं। तो जी आज मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि बाबा की बर्थडे सेलिब्रेट करके, क्योंकि जी माँ बाप का ही एक ऐसा रिलेशन है जो दुनिया में मुखलस है और एक ऐसा रिलेशन है जिस पर हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, आंखें बंद करके बिलीव कर सकते हैं, और कोई ऐसा रिलेशन इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला मेरे बाबा को बहुत लंबी उम्र दे और उनका साया मरसों पर कायम रखे। और ये जी मैंने केक बाय कर लिया है। तो जी यहाँ पर हमने जो है बर्थडे सेलिब्रेट करनी है और टेबल की बुकिंग हमने ऑलरेडी पहले से करवा ली थी और बस बाबा के आने का वेट कर रहे हैं। तो ये सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ ये। जी तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग सबसे पहले तो खाएंगे यहाँ पर जो है वो खाना, और खाना खाने के बाद जी हम लोग करेंगे जी सेलिब्रेट बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। और हम यहाँ बहुत ही मज़ा करने वाले हैं, तो सोचा कि पहले खाना खा लिया जाए उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्योंकि बहुत लेट हो गया है खाना भी। तो सॉरी जी मैंने खाना खाते हुए की वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए जी सो सॉरी। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. जी तो अब बस हमने बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद वापस जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो गई। और आज मैं एक तरफ से बहुत खुश भी हूँ और दूसरी तरफ से उदास भी हूँ। खुश इसलिए कि बाबा की बर्थडे सेलिब्रेट की, उदास इसलिए कि अम्मी की बहुत याद आ रही थी। अम्मी की डेथ कुछ मंथ्स पहले ही हुई है, तो बस अम्मी हर मौका पर याद आती हैं और बहुत दिल सैड हो जाता है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी की मगफरत फरमाए, उनको जन्नत में आला मकाम दे। बट अम्मी आपकी बहुत याद आती है मुझे। एनीवेज जी तो यहाँ पे हम रुके हैं जी पेट्रोल डलवाने के लिए। हेलो
हाँ जी, तो बर्थडे पार्टी हो गई है जी खत्म, और अब हम जा रहे हैं जी घर। काफी रात हो गई है, नियर अभी इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं जी 12, और अभी हम यहाँ पे रुके हैं जी पेट्रोल करवाने के लिए, उसके बाद हम यहाँ जो है वो घर के लिए जो है वो निकल पड़ेंगे। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।